नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। कॉर्फ बॉल एक ऐसा खेल है जिसकी जानकारी अभी तक सभी लोगों तक नहीं है। ये विश्व का एकमात्र खेल ऐसा है जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों मिलकर भाग लेते हैं। इस खेल के बारे में आम जन तक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कॉर्फ बॉल एसोसिएशन द्वारा जिला कुल्लू में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कॉर्फ बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 9 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन SP कुल्लू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा विजेता टीम हिमाचल प्रदेश को पुरस्कृत किया। जिला के प्रधान है, तो थर्ड प्लेस गोज टू ज्वाइंट विनर तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र एंड बिग हैंड टू तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। कैप्टन और कोच नेशनल कोरबॉल जो टूर्नामेंट था उसकी क्लोजिंग में मुझे एज चीफ गेस्ट आने का मौका मिला। तो इसमें ये 3 दिन तक ये प्रतियोगिता हिमाचल यहाँ कुल्लू में चली है और इसमें 8 राज्यों के जो खिलाड़ी और कोचेज़ हैं इन्होंने भाग लिया है। तो इसमें हमारे हिमाचल प्रदेश की जो टीम है वो प्रथम आई है। तो ये एक तरह से कोरबॉल जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक बहुत अभी तक इसके बारे में ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस नहीं है, फिर भी जो इसमें जो हमारी हिमाचल प्रदेश कोरबॉल एसोसिएशन है ये इसके लिए लगातार प्रयासरत है और श्री सुमन जी को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। इनकी कड़ी मेहनत के बावजूद, कड़ी मेहनत के द्वारा ही ये जो हमारी टीम है इस लेवल पे पहुँच पाई है और भविष्य में भी जो हमारी ये टीम है मुझे उम्मीद है कि इसमें और भी जो खिलाड़ी हैं और जुड़ेंगे और जो हमारे यंगस्टर्स हैं इस गेम में की ट्रेनिंग लेंगे, इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे और भविष्य में और अच्छी जो हमारी टीम है वो बनेगी। मैं हिमाचल प्रदेश जो कोरबॉल एसोसिएशन है इसको इस टूर्नामेंट के सक्सेसफुल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की टीम राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद। थैंक यू। ये जो प्रतियोगिता हुई इसका परिणाम आपके सामने है। पूरे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिमाचल चैंपियन बना, ये बड़ी खुशी की बात है और बड़े अंतराल के बाद 1978 से इस गेम को हिमाचल प्रदेश में लाया था। प्रथम स्टेट चैंपियनशिप आपके यहाँ डालपुर में मैंने कराई थी। ये सारा श्रेय आज के जो हमारे प्रधान हैं कॉर्फबॉल संघ के श्री राकेश प्रजापति जी अस्वस्थ होने के कारण या उनकी कोई ड्यूटी थी वो नहीं आ सके, तो उनका योगदान इस संघ के लिए आगे भी रहेगा। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इस खेल को क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2015 से आज तक 21 तक हमने राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता से जूनियर सीनियर सब जूनियर में हिमाचल प्रदेश के लिए मेडल लाए। जैसे आपने देखा आज हरियाणा का जो थी वो 10 वर्षों से इसकी चैंपियन रही है, परंतु सरकार की ओर से वहाँ बड़ी सुविधाएं हैं, उनको सरकार जो है वहाँ 10 कोच जो सरकार ने नियुक्त किए हैं। तो मैं चाहूँगा सरकार इसको ध्यान दें, इस गेम में कोई इतना खर्चा नहीं है, वो संसार की पहली खेल है जिसमें मेल और फीमेल इकट्ठे खेलते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये खेल मतलब इसमें इतना खर्चा नहीं है जैसे हमारे बास्केटबॉल क्रिकेट में आता है। तो 2 पोल लगेंगे, बास्केट लगेगी और बच्चों का भविष्य जो शराब या दूसरी चीज़ों में नशा में बच्चे जाएंगे वो इससे रुकेंगे और बच्चे जो हैं खेल के प्रति अपनी भावनाएं रखेंगे।